हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को हरियाणा का वर्ष 2019 और 20 का बजट 1,32,000 करोड़ रुपए का पेश हुआ है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने विधानसभा में पेश किया सरकार का पांचवा बजट। बजट में सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है। इस बार बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया, क्योंकि वर्ष 2018-19 में 7.2% के साथ तेजी से बढ़ती हुई विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। वर्ष 2019-20 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का विश्व बैंक का आकलन 7.5% तथा एशियाई विकास बैंक का आकलन 7.6% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने तथा विश्व में एक स्थिर लोकतंत्र होने का दोहरा गौरव हासिल किया है। वर्ष 2013-14 में भारत विश्व में 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो आज 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2030 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्र उच्च वृद्धि हासिल करने, दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था को राजकोषीय मजबूती प्रदान करने के मामले में वृहत अर्थव्यवस्था स्थिरता के श्रेष्ठ चरण का साक्षी रहा है। समावेशी विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक प्रमुख एजेंडा रहा है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से अंतरिम बजट 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं का स्वागत करता हूं, जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए आय सहायता योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग माने जाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन के रूप में आय सुरक्षा मुहैया करवाने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शामिल हैं। सरकार द्वारा शुरू किए गए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016, रेरा अधिनियम 2016 और 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम से जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार हुआ है। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक और मील का पत्थर है। हर भारतीय को भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर गर्व होना चाहिए, जिनके परिणाम स्वरूप भारत विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 5 स्थान बढ़कर 58वें स्थान पर पहुंच गया तथा विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में 2014 के 142वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया, जो महान उपलब्धि है। GST का क्रियान्वयन हमारे देश के इतिहास में अप्रत्यक्ष करों की दिशा में एक मील का पत्थर है। मैं सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर GST दरों को कम करने के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री की सराहना करता हूं, जिससे प्रयोज्य आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है और तीव्र विकास की नींव पड़ी है। मैं आयकर सीमा 5 लाख रुपए तक करने के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को उल्लेखनीय राहत मिली है। यदि 6.50 लाख रुपये तक की सकल आय वाला व्यक्तिगत करदाता भविष्य निधि, विशिष्ट बचतों, बीमा आदि में निवेश करता है तो उसे कोई आयकर देना नहीं होगा। पिछले प्रदर्शन की समीक्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने बजट 2019-20 प्रस्ताव पर प्रस्तुत करने से पहले मैं चालू वर्ष के दौरान पिछले प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण इस गरिमामयी सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र में 5.5%, द्वितीय क्षेत्र में 8.6% और तृतीय क्षेत्र में 8.2% अनुमानित है। इसी अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तदनुरूपी आंकड़े प्राथमिक क्षेत्र के लिए 3.3%, द्वितीय क्षेत्र के लिए 8.6% और तृतीय क्षेत्र के लिए 7.3% अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों के लिए आय के स्रोत में विविधता लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणाम स्वरूप पशुधन में उच्चतम विकास दर 11.1%, मत्स्य पालन और जलीय खेती में 7.4% रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 17.5% और विनिर्माण में 9.2% की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार और मरम्मत सेवाओं में 9.6%, वित्तीय सेवाओं में 9.2%, लोक प्रशासन में 10.5% की वृद्धि दर हासिल होने की संभावना है। GSVA की संरचना ने, जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन जिसको कहते हैं, सेवा क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन दर्शाया गया है, जो कि विकासशील और परिपक्व अर्थव्यवस्था का संकेत है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर तृतीय क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 से 1.62% बढ़ा है।
जो GSBA का 50.2% अनुमानित है तथा द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 1.27% बड़ा है जो GSBA का 32% अनुमानित है। वर्ष 2018-19 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17.8% अनुमानित है। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वर्ष 2014-15 से स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 34% से अधिक की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,57,649 रुपये अनुमानित थी जो वर्ष 2018-19 में 91,921 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 1,68,209 रुपये होने की संभावना है। वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये थी। वर्ष 2017-18 में यह 2,03,340 रुपये अनुमानित थी जो कि वर्ष 2018-19 में 1,25,397 रुपये के अखिल भारतीय आंकड़े की तुलना में बढ़कर 2,26,644 रुपये रहने की संभावना है, जिससे देश के प्रमुख राज्यों में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा अग्रणी राज्यों में से एक हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन को मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वैश्विक विश्लेषण कंपनी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्राइसिल ने जनवरी 2019 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट विकास की स्थिति 2.0 में उल्लेख किया है कि हरियाणा भारत के केवल उन दो राज्यों में से एक था जिसने औसत राष्ट्रीय औसत से तीव्र उच्च समग्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तथा रोजगार सघन क्षेत्र में उच्च सकल मूल्य वर्धित जीवीय वृद्धि दर्ज की जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रतिनिवेश और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के हमारे लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रगति का सूचक है। राज्य वित्त राजकोषीय मानक माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सम्मानित सदन को अवगत करवाते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राज्य वित्तीय प्रशासन में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनकर उभरा है। यदि इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व घाटे को छोड़कर सभी राजकोषीय मानक पूरी तरह से 14वें वित्त आयोग और FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं में हैं। इसके अलावा सरकार राजस्व घाटे में बढ़ते रुझान को बदलने में सक्षम हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016-17 में राजस्व घाटा जो GSDP का 2.92% था, वर्ष 2019-20 के लिए GSDP का 1.53% अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रभावी राजस्व घाटा एक बेहतर राजकोषीय संकेतक है क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं है। वर्ष 2016-17 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.81% था जो वर्ष 2017-18 में GSDP का 1.03% कम हुआ है। बजट अनुमान 2019-20 में यह और कम होकर GSDP के 0.73% तक रहने का अनुमान है। इससे स्पष्ट होता है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया है। ऋणों में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2016-17 के 20% से बढ़कर 2019-20 में 29% होना यह दर्शाता है कि ऋण पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु लिए गए हैं। राजस्व घाटा को कम करने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए विभागों को प्रोत्साहित करने, गैर उत्पादक व्यय को कम करने और फंड्स की पार्किंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रदर्शन से जुड़े परिव्यय तंत्र की शुरुआत की है। हम जवाबदेही और लेखा परीक्षा तंत्र में सुधार के लिए हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक के नाम से एक विधेयक भी ला रहे हैं। इन उपायों से सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य पर लाने के लिए आशान्वित है।